नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार फिर से अपने चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और मैं आपको एडेनियम पार्ट थ्री के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं तो पहला एडेनियम पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तो पार्ट थ्री में क्या होगा वो चीज़ के लिए मैं बहुत दिन के बाद आया हूं, क्योंकि मैं 20 दिन से लगभग प्लांट का आप मेरा देख सकते हैं इतना सेलिंग हुआ, ये इधर खाली हुआ और इसके पीछे पूरा मतलब एक लेयर खाली हो गया है, जो अभी उधर जाऊँगा तब आपको दिख पाइएगा। तो इधर इतना सेलिंग कम से कम 1000 प्लांट मैंने इधर सेल कर दिया, 500-1000 प्लांट, मतलब 100-100 करके। और आज भी शनिवार है, आज भी मैं प्लांट 100 प्लांट सेल किया दोपहर के सुबह के टाइम में, इधर से निकाल के सब रखा हूँ, घर पर रखा हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जो तो पर्सनल मतलब मैं 10 साल से जो कर रहा हूँ तो सभी को सेलिंग भी करता हूँ, तो इसी में मैं बिजी था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो एडेनियम पार्ट थ्री में क्या होगा कि अगर आप एडेनियम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो ये है फरवरी का ग्राफ्टिंग, यानी कि फरवरी लास्ट में कि होली के टाइम से ग्राफ्टिंग है। और इसका हाइट देखिएगा तो आपको पूरा कोडेक्स लेके और यहाँ तक आपका 12 इंच हो जाएगा। जैसे अभी भी मैं इसको नापूंगा, स्केल तो कहीं और है, अब मैं यहाँ से हटूंगा तो फिर वीडियो डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं आपको अपने हाइट से नापता हूँ। तो ये मतलब पूरे एक बित्ता हो गया, ग्राफ्टिंग पॉइंट से एक बित्ता हो गया। और क्या होता है कि ये फरवरी का या मार्च का ग्राफ्टिंग है, और इसको सेल के लायक होने में या अच्छा डेवलप होने में पूरे आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ अबाउट, जुलाई के बाद तो ये अच्छा हो गया था, अभी तो ये अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर चल रहा है और आज 12 तारीख है, सितंबर 12, 2020, तो ये वीडियो बना सितंबर 12 का। तो इसको हाइट होने में लगभग 5 या 6 मंथ लगा, यानी कि 5 या 6 मंथ में आप सेल के लायक प्लांट दे सकते हैं। जबकि ये ग्राफ्टिंग है आपका अबाउट, इसमें तारीख में मेंशन किया 2/8/2020, 8वां महीना ग्राफ्टिंग है, 2 तारीख का 8वां महीना ग्राफ्टिंग है। जो न्यू वैरायटी में लाया था ना, न्यू वैरायटी फ्रेंड मेरे को गिफ्ट किया, वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, गिफ्ट मिला करके। तो ये 2 तारीख को ग्राफ्टिंग किया, 2/8/2020, तो क्या इसको भी 5 मंथ लगेंगे इतने बड़े हाइट होने में? इसी इम्पोर्टेंट बात के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और बता रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि 8 महीना का हुआ ग्राफ्टिंग, हाइट एकदम बहुत है, छोटा सा लिया हूँ और अभी पत्ती वगैरह आ गए, आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल है। तो कहने का मतलब कि 8 के बाद 9, 10, 11, तो आप देख सकते हैं कि ये 8वां मंथ में ग्राफ्टिंग हुआ, और क्या ये भी 5 मंथ में इतना बड़ा हाइट हो जाएगा? इसी बात इम्पोर्टेंट के लिए मैं आपके सामने मतलब रिपीट कर रहा हूँ। तो 9, 10, 11, 12, 4 मंथ, जनवरी 5 मंथ, फरवरी 6 मंथ, 6 मंथ में भी ये सर इतना बड़ा नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट बात। अगर आप 7वां मंथ में या 8वां मंथ में ग्राफ्टिंग करते हैं या 9वां मंथ में ग्राफ्टिंग करते हैं, तो आपको 6 मंथ में भी इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये ग्राफ्टिंग हुआ 8 मंथ में, या 8 तारीख में मेंशन किया 2/8/2020। अगर आप 8वां मंथ में ग्राफ्टिंग किया, पूरा 8वां मंथ खत्म हो गया, ये 9वां मंथ का, ये 12 तारीख है आज, तो कहने का मतलब है कि क्यों नहीं होगा इतना हाइट, क्यों नहीं होगा? मैं इसको 6 मंथ दिया फिर भी इतना बड़ा हाइट ये इसके मुकाबले क्यों नहीं होगा? ये अब देख लीजिए, ये 6 मंथ में इतना बड़ा हुआ, और प्लस ये 6 मंथ में इतना बड़ा नहीं होगा, तो कितना बड़ा होगा? ये 6 मंथ में बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए दोनों का आप कंपेयर कर लीजिए, आपको मतलब थोड़ा सा डाउटफुल नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? देखिए, कहने का मतलब कि अभी ये 9वां मंथ हो गया, फिर 10वां आएगा, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में थोड़ा सा ठंडा वगैरह कोर्स वर्स गिरने लगते हैं, फिर नवंबर आएगा, थोड़ा सा ठंडे लगने लगती है, फिर जनवरी आएगा, ज़्यादा ठंडे लगने, दिसंबर जनवरी ज़्यादा ठंड लगती है, फिर फरवरी ठंड लगेगा। तो अब ये गर्मी के मौसम से बरसात होते हुए अब ये जाड़ा की ओर जा रहे हैं, तो जाड़ा की ओर जाने से क्या होता है ना कि एडेनियम सो जाता है, उसको नींद जैसे होता है ना कि आदमी रात को सोता है दिन को जगता है,
बहुत सारा चीज है। तो ये भी एडेनियम है, जाड़ा में सो जाता है और पूरा साल ये जगे रहता है। तो जब जगे रहता है तभी ये डेवलप करेगा, ना कि सोएगा तो डेवलप करेगा। जाड़ा में जैसे डोरमेंसी से हर सीजन की एक सीमा होती है कि वो पत्ती झाड़ देगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो एडेनियम का है कि ये जाड़े के मौसम में बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करेंगे, एक इंच भी नहीं बढ़ेंगे। जैसे हैं जैसे के तैसे रहेंगे, ऊपर से डल भी होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। जैसे कि पत्ती झड़ जाना, रूखा रूखा सा हो जाना, अच्छा नहीं लगना, ये सब होता है एडेनियम के मैटर, मतलब जाड़े के मौसम में होगा। तो आपको जैसे ही ये फरवरी मार्च स्टार्टिंग हुए, इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पत्ती स्टार्ट थोड़ा सा नया। अभी ये क्या है, अभी से लेके ये फरवरी तक ऐसे ही रहेंगे। मतलब अगर हाइट बढ़ना चाहेगा तो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, बस इतना बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अब रह गया कि ये अगले साल फरवरी के बाद यानी कि मार्च के मंथ से ये डेवलप होना स्टार्ट करेगा। और जो अगले साल में ग्राफ्टिंग किया हूं, अगले साल जो मैं ग्राफ्ट करूंगा मार्च के टाइम में, उसके मुकाबले ये स्लो चलेंगे, क्योंकि ये तो अंदर से सुस्त हो गया, अब इसको जगने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो तो प्लांट जब मैं ग्राफ्टिंग किया 10 दिन में आग खुला फिट फुटा, मतलब बढ़ते गया, लेकिन उसके अपेक्षा ये स्लो चलेंगे। और जब आपको अप्रैल मई आएगा तब ये स्पीडली बढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब कि ग्राफ्टिंग तो हो गया, लेकिन अगले साल जो ग्राफ्ट करूंगा उसके मुकाबले ये स्लो चलेंगे, क्योंकि ये डल हो चुके हैं, मतलब जाड़ा झेल के आ चुके हैं, मतलब बीमार होके उठे हुए हैं। और वो तो तरोताजा मैं ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो कहने का मतलब बस यही छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप 8वें मंथ में 7वें मंथ में ग्राफ्टिंग करते हैं, या जो भी मतलब आपको मतलब मार्च के बाद अप्रैल के बाद ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो स्लो चलेंगे, वो उसके मुकाबले नहीं चलेंगे। ये तो एक नया वैरायटी, इसलिए मैं ग्राफ्टिंग किया। लेकिन ज्यादा मैं ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही करता हूं, और 7वें मंथ 8वें मंथ में ग्राफ्टिंग करता हूँ रिक्स से। मतलब कि ये आएंगे, ये हो सकता है कि आपको जाड़ा में मर भी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जाड़ा आता है ना, तो अब मैं भी नहीं जान पाता हूँ कि अगले साल ये कितना टेम्परेचर आएगा, अगले साल कितना डिग्री ठंडा होगा, कितना होगा। तो मेरे को मतलब मालूम नहीं कि अगले साल कितना डिग्री तक मतलब कम हो सकता है टेम्परेचर। तो ठंडा चलेंगे, ये ठंडा में मर भी सकता है, रिक्सेबल चीज है। और ग्राफ्टिंग का सबसे शुरुआती जो ग्राफ्टिंग होता है वो अच्छा चीज है। ये ग्राफ्टिंग मैं तो बनाने वाला, तो हर महीने नवंबर दिसंबर तक बनाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। तो दिसंबर ओनली ग्राफ्टिंग सट जाएगा, न कि ग्राफ्टिंग आपका डेवलप होगा। तो बस इतना ही कहता हूँ और अपने बातों को खत्म करूंगा। और ये सर देख लीजिए, इसको बोलते हैं डेजर्ट रोज, यानी कि रेगिस्तान का गुलाब। मेरे पास गुलाब है, मैं उसके मुकाबले इसको कंपेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कि इसमें खूबसूरती है कि उसमें खूबसूरती है। हालांकि गुलाब का राजा मतलब फूलों का राजा गुलाब होता है, लेकिन ये भी गुलाब से कम नहीं है। बस इसमें सेंट नहीं है, खुशबू नहीं है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये नंबर वन है। चलिए मैं इसको अपने गुलाब से कंपेयर करता हूँ, तो मजा आएगा, मुझे भी मजा आ रहा है। हाँ सर, देख लीजिए, ये है मेरा डेजर्ट रोज और ये है मेरा देसी गुलाब, जो अभी मैं गार्डन में हूँ। देख लीजिए कैमरा घुमा के, इधर गार्डन का ही मतलब है, कहीं और दूर नहीं गया हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा देसी गुलाब, मैं जमीन में लगाया हूँ। और ये कंपेयर देख लीजिएगा तो आपको ये गुलाब से कम नहीं है। ये गुलाब हो गया और एक ये गुलाब हुआ, दोनों को थोड़ा सा जूम करके देखिए इसको, मतलब क्या कमी रह गई है मेरे गुलाब में। तो बस इतना ही करके अपना वीडियो खत्म करूंगा। और ये आप इधर देख, अब मैं आ गया हूँ अपने गार्डन के अंदर। आप ये देखिए कि पूरा वहां से लेके और पूरा एकदम इधर तक ये पूरा खाली हो गया, पूरा जबकि पूरा ये प्लांट भरा हुआ था। और यहाँ कुछ पत्ती गिरे हुए देखेंगे, जबकि पत्ती गिरे नहीं है, पत्ती मैं काटा हूँ, जो मैं प्लांट सेंड करता हूँ। बारिश का टाइम है, मतलब अभी 8वां मंथ है, सॉरी 9वां मंथ है। तो ये मतलब पत्ती काट के भेजना पड़ता है, बारिश के टाइम में पत्ती काट के भेजना, नहीं तो प्लांट में फंगस हो जाएगा। कुछ यहाँ मिट्टी रखा हुआ है, कुछ वहाँ मिट्टी रखा हुआ है, प्लास्टिक इधर उधर है, उधर है। तो इसका कहने का मतलब कि पूरा ये गार्डन खाली है। अब जो सेल होगा, सेल मतलब बहुत कम ही प्लांट है मेरे पास सेल के लायक। देख सकते हैं मेरे प्लांट को, देख सकते हैं बहुत ही कम प्लांट है सेल के लायक। तो सब ये मेरे मतलब
गुडविल की वजह से सेल होते हैं। मैं किसी कहीं ऐड नहीं देता हूँ सेल पर, अभी तो पहले तो मैं ऐड देता था फेसबुक पर, लेकिन अब मैं कहीं ऐड नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा ऐसे ही मतलब बैठे बैठे ही सेल हो जाता है। एक बार कॉन्टेक्ट आया, बात हुआ, पैसा आया, मैं उसको सेंड कर दिया। तो इस एक मतलब 20 दिन के अंदर मैं कम से कम हजारों प्लान भेज चुका हूँ। मैं उस पर वीडियो बनाने वाला था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि बबलू ये प्लांट सेंड पर कैसे प्लांट भेजा जाता है, कैसे प्लांट कटिंग किया जाता है, कैसे प्लांट को तुम ट्रीटमेंट करते हो भेजने के लिए, तो क्या प्रोसेस है, कैसे पैकिंग करते हो, कैसे कुरियर करते हो, पार्सल करते हो, इसका भी एक वीडियो बनाओगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत ऊपर चलेगा। अब तो मैं उनका बातों का फॉलो कर रहा था, लेकिन अब इतनी बात है कि सामान बेचने में अब मैं इतना हो गया कि अब उस पर वीडियो नहीं बना पाया। मैं छोटा सा मतलब अगर 2-4 प्लांट पैकिंग या 10 प्लांट पैकिंग के बारे में वीडियो पर दिखाऊंगा तो वो अच्छा होगा। और मेरे फ्रेंड कौन है ये भी आप जो बागवानी चैनल जो है, जिन नाम तो मैं भूल गया, मतलब नाम तो नहीं, नाम से तो नहीं जानता उनको, जो बागवानी चैनल जो है वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है और उन्हीं की वजह से आज मैं यूट्यूब पर हूँ। सबसे फर्स्ट बागवानी चैनल ही मेरे को यूट्यूब पर लाए कि बबलू तुम ये करो। वो तो अभी नहीं, वो तो कई 2-4 साल से हमको फॉलो कर मतलब उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम बबलू तुम ये करो, तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा नॉलेज ज्यादा है, तुम कर सकते हो। मैं इग्नोर करते गया। एक दिन अनोन फोन आया, अलग से फोन आया, मैं इसको जानता नहीं हूँ। बोला कि आपका मैं फेसबुक पर मैं वीडियो पहले डालता था, फेसबुक पर वीडियो मैं दिखाया, देखा आपका ये ट्रीटमेंट, देखा ये अच्छा मतलब ऐसे मिट्टी बनाने का प्रोसेस, देखा हमको अच्छा लगा, आप यूट्यूब पर क्यों नहीं आते हैं। तो उन्हीं का बात सुन के मैं सोचा कि जब अनजान आदमी मेरे को कॉल करके मुझको कह सकता है कि आप यूट्यूब चलाइए तो जरूर कुछ भी अच्छा चीज होगा, बात होगा। तो बस एक दिमाग में पिंच हो गया और मैं उस दिन से वो बागवानी चैनल से मेरा सारा फेस में थोड़ी ऑप्शन ले लिया कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है। और आज बागवानी चैनल का दिन है कि मैं आज आपके यूट्यूब पर आपके सामने फेस टू फेस बात कर रहा हूँ और ज्यादा मतलब 100% उनका सपोर्ट है मेरे ऊपर। तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जिस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप भी मतलब बहुत दिलोजहान से मतलब तरक्की करें, आगे बढ़ें, बहुत अच्छा है मुझे फील होगा। और बस इतना ही कह के अपना वीडियो बंद करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा टॉपिक पाऊंगा कि आप बिलीव ही नहीं कीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक का क्या ऑप्शन रहेगा, कल संडे कल ही बनाऊंगा। रूट स्टॉक, एडेनियम का रूट स्टॉक और कटिंग का रूट स्टॉक में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है। मैं तो कहता हूँ कि रूट एडेनियम का रूट स्टॉक से कटिंग का रूट स्टॉक ही बहुत अच्छा होगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।